नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जैसे मार्केट खुला होगा, अगर आपके पास निफ्टी 20 या रिलायंस का ईटीएफ निफ्टी है, तो आज आपने अचानक देखा होगा कि उसमें लगभग 90% की गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस समय निफ्टी 20 129.54 पे काम कर रहा है और आज के दिन ये लगभग 1163 रुपये की गिरावट आई है। और टोटल अगर परसेंटेज में बात करें तो ये लगभग 90% की गिरावट आज हुई है इसमें निफ्टी 20 में। तो आप सब परेशान हैरान हो गए हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जो रिलायंस का निफ्टी 20 है, रिलायंस का ये निफ्टी 20 के अंदर अचानक 90% की गिरावट दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको परेशान हैरान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट हम बताते हैं कि आपको हुआ क्या है। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि इन्हों की जो निफ्टी 20 की जो फेस वैल्यू थी दोस्तों, वो फेस वैल्यू पहले 10 रुपये प्रति यूनिट की एक फेस वैल्यू थी। तो इन्होंने जो आज से हुआ क्या है कि इन्हों की निफ्टी 20 की जो फेस वैल्यू थी उसको स्प्लिट कर दिया है और 10 रुपये प्रति यूनिट प्रति ईटीएफ की जो फेस वैल्यू थी उसको घटा के अब 1 रुपये प्रति ईटीएफ की इन्होंने फेस वैल्यू को कर दिया है। तो इसलिए उसी अनुपात में जहाँ पहले इन्हों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति यूनिट थी उसको घटा के 1 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है, तो स्टॉक भी 10 के उसमें गिर गया है। अगर अब आपको कहें इसका क्या होगा, तो अगर आपके पास निफ्टी 20 की अगर 100 ईटीएफ है आपके पास में, 100 यूनिट है, वो बढ़ के आपके पास 1000 हो जाएगी। आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कर लीजिए। अगर आप स्प्लिट से पहले अगर 1 लाख रुपए थे आपके टोटल वैल्यू थी उसकी पोर्टफोलियो की, तो स्प्लिट के बाद भी वो 1 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि जहां पहले आपके पास 100 यूनिट थी वो बढ़ के अब 1000 यूनिट हो जाएगी, इसलिए 1 लाख हो जाएगी। आपके पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन्होंने अपनी फेस वैल्यू को कम किया है। चार्ट पे दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। कल तक देखिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कल तक देखिए 1300 रुपए के आसपास ये निफ्टी ईटीएफ काम करता था, और आज अचानक देखो कितनी बड़ी गिरावट हुई है इसके अंदर, और ये 1300 रुपए से लेके सीधा 129 रुपए आ गया। इसलिए सभी लोग परेशान थे, हैरान थे कि भाई अचानक ऐसी क्या दिक्कत आ गई इस निफ्टी 20 में कि 90% गिरावट हो गई। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ एक बार फिर से अपडेट करते हैं दोस्तों। इन्हों की जो फेस वैल्यू थी उसको इन्होंने स्प्लिट कर दिया है, अब ये ईटीएफ 129 रुपए पे काम कर रहा है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अपनी फेस वैल्यू को अगर दोस्तों देखो बीएससी पे दिखाएंगे आपको, तो देखिए बीएससी पे अगर आप देखें तो बीएससी के अंदर ये देखो 0.28% की बढ़त दिखा रहा है, यहाँ पे कोई गिरावट दिखाई नहीं दे रही, जबकि एनएससी के अंदर ये 90% की गिरावट दर्ज हुई है। इसलिए आप परेशान ना होइए, इन्होंने अपनी फेस वैल्यू को 10 रुपए से घटा के 1 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक मार्केट की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि और लोग परेशान ना हो कि निफ्टी 20 एक दिन में 90% क्यों गिर गया है। धन्यवाद दोस्तों।